नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी बेहद दिलचस्प मुद्दे की। उत्तर प्रदेश की सियासत में वो मुद्दा इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहा है। लखनऊ में इस वक्त सियासी भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। वो सियासी भूकंप के झटके जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक दे रहे, सियासी भूकंप के झटके जो है अब दिल्ली तक महसूस हो रहे हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात को लेकर गर्म है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आखिरकार नंबर किसका। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के कद्दावर नेता, जिस वक्त अखिलेश के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहे थे, तब उस वक्त सवाल यही था कि आखिरकार वो कौन कौन से चेहरे हैं जो कतार में है। अब दूसरा भूकंप का झटका, सियासी भूकंप का झटका दारा सिंह चौहान के नाम पर आया। दारा सिंह चौहान भी अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई में इस वक्त जो पिछड़ों की राजनीति बीजेपी कर रही थी उसे झटका अखिलेश यादव दे रहे, क्योंकि मसला यहीं तक नहीं रुका। गठबंधन का किस्सा शुरू हो चुका है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फरीदाबाद के भी ये सांसद रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के साथ, और फिर उसके बाद दारा सिंह चौहान की एंट्री और अवतार सिंह भराना। दारा सिंह चौहान का इस्तीफा भी बेहद दिलचस्प है। जिस तस्वीर इस्तीफे को हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे लगता है कि हूबहू स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफे का कट पेस्ट कर दिया। पिछड़ों की उपेक्षा, किसानों की उपेक्षा, ये तमाम विषयों को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठाए गए। लेकिन इसके साथ साथ अब विषय क्यों गंभीर हो जाता है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी क्यों? फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान या फिर अवतार भड़ाना, क्योंकि गुज्जर नेता है अवतार भड़ाना। ये मसला सिर्फ और सिर्फ कुछ नेता विधायकों के इस्तीफे देने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक सियासी संदेश छिपा है जिसका आज नहीं झटका दिया। दो दिन में दो मंत्री कैसे तोड़ दिए अखिलेश यादव ने, सवाल इतना भर नहीं है। दरअसल इसके पीछे छिपे वो सियासी समीकरण है जिसका जिक्र आज मैं करने वाला, और इन सियासी समीकरणों को मेरे साथ तमाम मेहमान सुलझाएंगे। जातियों के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आए, लेकिन अब अखिलेश उसी फॉर्मूले के आधार पर आगे बढ़ रहे, उसी फॉर्मूले के आधार पर अपने कुनबे को बड़ा कर रहे। अब मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र आगे करूंगा और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन जिस तर्ज पर मंडल और कमंडल की सियासत इस वक्त दिखाई दे रही है, मैं एक
क्यों बात कह रहा हूं कि एक तरफ मंडल है और दूसरी तरफ कमंडल? छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके अखिलेश यादव महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ मंदिर अयोध्या मथुरा 80 बनाम 20 का जिक्र कर रहे हैं, 80 और 20 का। यानी जो जातियों के गणित को सुलझाते हुए अमित शाह ने 2017 को फतेह किया, आज योगी आदित्यनाथ 80 और 20 की लड़ाई बता रहे। आज इसी पर मैं चर्चा करूंगा, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। संदीप दुबे इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पार्टी के युवा चेहरे हैं और बेबाक अंदाज से अपनी राय रखते हैं। मेरे साथ दीपचंद राठौर जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरा है, युवा चेहरा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ एके मिश्रा, जो कि राजनीतिक भविष्यवाणियां बेबाक अंदाज से करते हैं, नाम के मिश्रा जी भी हैं, पंडित जी भी हैं और राजनीतिक पंडित भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कुछ देर बाद वक्त बाद मेरे साथ समाजवादी पार्टी के भी चेहरे जुड़ेंगे। लेकिन मैं जिस गणित का जिक्र करने वाला हूं, और एके मिश्रा मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि मसला अब यह राजनीतिक नहीं है और सियासी गणित पे भी चलता है। मैं आंकड़ा देख रहा था एके मिश्रा, आंकड़ा देख रहा था 2017 का, जहां पर ओबीसी ने 58% बीजेपी को वोट दिया, 58%, यानी कि एक तरफा बीजेपी के साथ वोट बैंक खड़ा हो गया, क्योंकि बीएसपी को 11% और अन्य को 13% था। लेकिन आज पिछड़ों की राजनीति में अखिलेश आगे दिखाई दे रहे, राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो या पटेल मैडम हो, ये कुनबा बढ़ाते हुए अखिलेश यादव क्या संकेत दे रहे हैं और इस सियासी भूकंप के मायने क्या हैं? एके मिश्रा, देखिए हार जीत किसकी होगी उसकी अभी मैं कोई परिकल्पना या भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मेरे तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और मैं पहले ही ये मान लेता हूँ कि डेफिनेटली बीजेपी के लिए चुनौतियां नई और डिफरेंट तरीके की हैं, वो हर पार्टी के लिए होता है, हर चुनाव में चुनौतियां नई होती है। रही बात जो ये कुनबा बना रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा नेता जहाँ पे बाप और बेटे एक नहीं हो पाए, चाचा भतीजे एक नहीं हो पाए, पैर छूने के बाद बहन जी एक नहीं हो पाई, एक दिल्ली से लड़का गया था, एक यूपी का लड़का था, दो लड़के एक नहीं हो पाए, तो 50 लोगों को लेके 50 भेड़ियों का झुंड बना के केवल हुआ हुआ करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। रही बात भूकंप की बात है, तो अगर भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है, तो भूकंप रोधी राजनीतिक बिल्डिंग्स भी होती है जो राजनीति के 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप के झटके को सह लेती है। और मैं इस चीज को मानता हूं, मैं बेबाक बोल रहा हूं और लॉजिक के दम पे बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने यही चुनौती है और वो इसको मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि उनका तंत्र बहुत अच्छा है। ये अब तंत्र अपना बना रहे हैं, एक हो रहे हैं, वो पहले से ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बूथ लेवल पे एकदम मजबूत करके रखी हुई है। तो पड़ला अभी अच्छा। भी मुझे बीजेपी का पड़ रहा है, लेकिन शुभकामनाएं मैं जरूर दूंगा, प्रयास सबको करना चाहिए जितने अच्छे तरीके से हो सके। यानी मिश्रा जी आप ये कह रहे हैं इन सियासी भूकंपों से बीजेपी नहीं हिल रही है? नहीं नहीं, देखिए भूकंप रोधी जो बिल्डिंग होती है ना, हलचल तो उसमें भी होती है, लेकिन नुकसान नहीं होता है, बिल्डिंग गिरती नहीं है, ध्वस्त नहीं होती है बिल्डिंग, जमींदोज नहीं होती है, वो खड़ी रहती है। और भूकंप के झटके 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए होते हैं, तो राजनीतिक भूकंप के झटके 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए होते हैं। जो देखिए ये जितने चेहरे आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो, इनका कोई जो है इनका कोई इथिक्स नहीं होता है। ये कल को पता चला किसी और पार्टी से मिला, कल हो सकता है ये राजभर जी के साथ चले जाए, अगर राजभर जी इनको ऑफर दे दे कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो बहुत खुश होने की इसमें बात नहीं है। और दूसरी चीज जो अच्छा। आपने बोला कि बीजेपी के बड़े चेहरे, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बीजेपी के बड़े चेहरे थे? कभी इन्होंने बीजेपी को लीड करते हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने इनसे करवाई? अगर ये बीजेपी के लिए मुख्य और इम्पोर्टेंट चेहरे होते तो बीजेपी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको आगे करके करवाती। दीपचंद राठौर जी, मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये भूकंप रोधी झटके जो है ये महसूस नहीं होंगे, भूकंप के झटके महसूस नहीं होंगे बीजेपी को, बीजेपी का किला बहुत मजबूत है। चौरासा में बताना
बीजेपी का किला मजबूत है या नहीं है ये तो हमें 2022 में पता लग जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की उपेक्षा के कारण भाजपा की पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब कोई पार्टी सबका साथ सबका विकास कहकर सत्ता में आती है और सत्ताहीन होने के बाद केवल एक विशेष जाति के रहनुमा बन जाती है तो पिछड़े वर्ग के नेताओं को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाता है। जैसे हम मैं बताना चाहूंगा चावला साहब को कल्याण जी थे, इसी तरह भाजपा वालों ने कल्याण जी को भी दरकिनार करा जब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मैं मतलब गाड़ दूंगा दफना दूंगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। और भारतीय जनता पार्टी वो 2017 में इन्होंने क्या करा, जातिगत चेहरे लेकर आए। चार में बताना चाहूंगा जैसे ब्राह्मणों के लिए कलराज मिश्रा का चेहरा लेकर आए, ठाकरों के लिए राजनाथ सिंह का चेहरा लेकर आए, मौर्य के लिए केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा लेकर आए और लोधी निषादों के लिए उमा भारती का चेहरा लेकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में ये चीज समझ आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी युवा कहीं आज दर किनार होता जा रहा है। और जब युवा रोजगार लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सामने अभी मिश्रा जी ने कहा ना कि मिश्रा जी आपके सामने कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मिश्रा जी के कहने या मेरे कहने या चावला साहब आपके कहने से क्या होगा, जनता जनार्दन है। देखो हमारे लोग खूबसूरती यही है कि कब किसको कहां बैठाना है ये तो जनता तय करती है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, अगर आप मजबूत हो रहे हैं तो ये सपा में क्यों जा रहे हैं? देखो ये उनका व्यक्तिगत है, सपा में जाए कांग्रेस में जाए हम किसी को कहने, और हमने तो पहले ये अगर मैं मान गया कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, आपकी बात मान गया बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, तो ये आपके पास क्यों नहीं आ रहे? अगर बीजेपी डूबता हुआ जहाज है तो ये सपा में क्यों जा रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं आ रहे? इन्होंने उपेक्षा पिछड़ों की है ना, आप ये कह रहे हैं तो आपके पास क्यों नहीं आ रहे? हमारी लड़ाई देखो मैं आपको बताना चाहूंगा चावला साहब, हमारी लड़ाई धर्म जातिवाद पे ना होकर हमारी लड़ाई मुद्दे की लड़ाई है। असलियत मुद्दे जो होते हैं जैसे कि मैं बताऊंगा महंगाई का मुद्दा है, किसानों की आवाज पर है, बेरोजगारी पर है, रोजगार है, देश की गिरती जीडीपी अभी सपा के नेता मेरे साथ ज्वाइन करेंगे पूछ लेता हूं। लेकिन एक कमेंट आया और मैं चाहूंगा ये व्यक्तिगत कमेंट नहीं, लिखा हुआ है एके मिश्रा और संदीप दुबे दो दो बीजेपी के प्रवक्ता बिठा रखे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एके मिश्रा राजनीतिक पंडित है, बीजेपी के नेता नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। ओके व्यक्तिगत कमेंट नहीं, मैं चाहूंगा लोगों से कि व्यक्तिगत कमेंट नहीं एके मिश्रा को लेकर। संदीप दुबे जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप एके मिश्रा की भविष्यवाणी को सुनने के बाद कि हम तो भैया किला है, ऐसे कई भूकंप के झटके हम झेल लेंगे। लेकिन वाकई में दिल्ली में महसूस नहीं हो रहा कि सियासी भूकंप के झटके लखनऊ में हो रहे हैं? तिलक जी मुझे बड़ा खुशी की बात इस बात से है कि मेरे कांग्रेस के साथी या समाजवादी पार्टी के लोग या देश को जिस तरह से राजनीतिक पंडित हैं वो हमेशा इस देश को जातियों के ही गणित में देखा और जातियों के गणित में ही राजनीति की व्याख्या करी और राजनीति को कभी भी हम में नहीं डाला कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय, हम सब यूपी वाले एक हैं। और आज यही पंडित कर रहे हैं कि जातियों के नेताओं के हिसाब से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को जातियों के हिसाब से नहीं देख रही है, वो इस हिसाब से देख रही है कि बरेली में हवाई अड्डा बन गया, प्रयागराज में हवाई अड्डा बन गया, हिडन में हवाई अड्डा बन गया, कानपुर में हवाई अड्डा बन गया, 40 लाख से अधिक मजदूरों को इसकी रोजगार दिया, हर घर में पानी पहुंचाया, सौभाग्य योजना लागू किया, 1000 करोड़ को मुफ्त राशन दिया, 4000 करोड़ रुपए का डिफेंस कॉरिडोर बनाया। 2017 में जो बेरोजगारी दर 18% थी जबकि 2021 में 4.1% बची हुई है। एक जिला एक उत्पाद जो 2017 में 88,967 करोड़ थी वो 2021 में 1.21 लाख करोड़ का निर्यात हो गया। किसानों को आधा बिजली बिल दिया, 56 लाख बुजुर्गों को पेंशन दिया, 1.5 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया। ये कांग्रेस के साथ ही बोल रहे हैं, मेरी बात अब सुनिए। जो लोगों को राजनीति करनी है, जिस लोगों को राजनीति को जिस जातियों के अवसर के रूप में रखना है वो लोग रखे, क्योंकि कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे थे बहुत अच्छे जातियों की गणित को समझाया। दीपचंद राठौर जी आपकी कांग्रेस ऐसे छोटे जातियों के देश छोड़ रखा था,
बड़ी मुश्किल से देश एक साथ हुआ है, बड़ी मुश्किल से देश एक साथ खड़ा हुआ है। अब ये देश फिसलने वाला नहीं है और आपके इस भ्रम में आने वाला नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ सारे राजनीतिकों का भ्रम टूटेगा। संदीप दुबे जी, हमारी सरकार बनी। संदीप दुबे जी, मैं पता है आपका कायल क्यों हूँ, क्योंकि आप सवाल को ऐसे घुमा देते हैं ना, सवाल को घुमा देते हैं आप। मैंने कहा कि भूकंप के सियासी झटके महसूस हो रहे कि नहीं हो रहे लखनऊ वाले, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और फिर अवतार भड़ाना। और सवाल मेरा बिल्कुल सीधा आपसे यह है, जो जातियों के समीकरणों को उलझाने और सुलझाने का जिक्र आप कर रहे हैं, इसी जातियों के सहारे 2017 में ओबीसी के 58% वोट आपने हासिल किए। लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप ओबीसी एससी, आप हिंदुओं को क्यों बांटते हैं? हिंदू एक है। आप मुस्लिम भाइयों को जरा बांट के दिखाइए ना, सियाओं का, सुन्नी का, इनका उनका, ऐसे वैसे। अच्छा, तो 80 और 20 की लड़ाई है, मुझे समझा रहे हो? ये मुझे समझा रहे हो आप 80 और 20 की लड़ाई है? कोशिश करते हैं। ये लड़ाई, नहीं है, ये लड़ाई अपने आप से है, क्योंकि आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश एक हो गया है। और इस तो एकता से फिर योगी जी क्यों समझा रहे हैं 80 और 20 की लड़ाई? 80 और 20 का मतलब क्या है? संदीप दुबे, संदीप दुबे, 80 और 20 का मतलब क्या है? 80 और 20 का मतलब क्या है? जिन्होंने जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दिया, उन सबका अब सत्यानाश होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है। ये जातियों को बढ़ावा दे रहे थे जिनको आपने साथ लिया, आज इस्तीफे दे रहे हैं, ये जातियों को बढ़ावा दे रहे थे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उन राजनीतिक पार्टियों और पंडितों का नाम ले रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति को जातियों के हिसाब से देखते हैं, समीकरण जातियों के हिसाब से। कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर एक मिश्रा आपके पास आ रहा हूँ। मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आपने कहा कि हम जातियों के आधार पर नहीं बांटते, आप मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो आप बताते हैं ये मंत्री इस जात का है, फिर कौन बांटता है जातियों में? तिलक जी, सबका प्रतिनिधित्व मिलना है, लोहा लोहे को काटता है। ये लड़ाई बड़ी है, छोटी लड़ाई नहीं है जी। खड़ा हुआ है, तस्वीरें लगाते हो कि इस जात का मंत्री है। कांग्रेस ने बिछा रखी थी, उसको ध्वस्त किया है, बुराई को समाप्त किया है। आज पूरा देश एक है, उस एकता पे प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, उस एकता को जोड़ने की जरूरत है। अच्छा चलिए, मत बताओ कि वो किस किस जात के मंत्री बनाए थे आपने, वो याद दिला रहे हो। अच्छा, वो जातिगत सम्मेलन चल रहे कि बंद हो गए जो चल रहे थे? देखिए, आप हमसे काम पूछिए कि हम उत्तर प्रदेश में क्या काम किए, हम एक एक लिस्ट आपको गिना देंगे, 500 काम ऐसे बता देंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और पूर्ववर्ती कोई नहीं कर सकता। 400 आज तक कितने साल बाद बना, आप सोच लीजिए। 400 मेट्रो कितने साल बाद आई, पूर्वांचल एक्सप्रेस 400 पहले क्यों नहीं बना, गंगा एक्सप्रेस पहले काम क्यों नहीं हुआ? सुन लो ना, काम नहीं हुआ। आपको पता है सभी गरीबों को हमने मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराई, राम मंदिर का निर्माण, पर्यटन को लेकर उद्योग बढ़ेगा, ये क्या किसी जाति विशेष के लिए होगा? देखिए, जब हमने काम किया है, 59 मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास, मैं एके मिश्रा के पास जाऊं, राधा महेंद्र का विश्वविद्यालय, एके मिश्रा के पास जाऊं, योगी सरकार बोल रहा है और विपक्ष इस समय परेशान इसीलिए है, और संदीप दुबे जी उनको राजनीति मुबारक, जनता देख रही है। संदीप दुबे जी, 80 और 20 का मतलब क्या है? 80 और 20 का, अच्छी 80 और 20 का, 80-20, 80-20 का मतलब क्या है? मतलब वही है, 20% जो बुरे लोग इस भारत को भारत नहीं रहने देना चाहते, और अच्छे 80% वो लोग जो इस भारत को भारत बनाने में लगे हुए। 20% सारी छोटी 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 पार्टियां जो कहीं 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 करोड़ा और भानमती ने खुनबा जोड़ा, जो चाहती है कि ये देश अस्थिर रहे, जो चाहती है कि जैसे 2017 में आपने जोड़ा था, जो चाहते हैं कि भाईचारा कायम ना हो, जो चाहते हैं कि बांट के राजनीति किया जाए, जो चाहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति पे, एक जिन लोगों ने इस देश को काम किया, घुमा दिया, संदीप दुबे ने घुमा दिया। एके मिश्रा जी, मैंने पूछा 80-20 क्या है, इनके नेता कुछ और बताते हैं, यहाँ बैठकर कुछ और बता रहे हैं। 80-20 पूछा तो कह रहे हैं कि 80 जो अच्छे लोग, 20 जो बुरे लोग, ये 80 और 20 का फॉर्मूला क्या है? और ये कह रहे हैं कि जातियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए चावला जी, सबसे पहले तो जो एक हमारे मित्र ने जो कमेंट किया था, मैं बता दूं, मैं शुभकामना कभी बीजेपी को नहीं देता जीतने के लिए, शुभकामना मैं शुरू में ही हमेशा विपक्ष के पार्टियों को देता हूँ, सपा बसपा कांग्रेस।
नहीं आप व्यक्तिगत मत लीजिए, एक मिश्रा जी मैंने क्लियर कर दिया, आप व्यक्तिगत मत लीजिए। नहीं हो सकता है कि वो आपका प्रशंसक हो, वो कुछ और उम्मीद कर रहा हो, आपने कुछ और बोल दिया हो सकता है कि वो बीजेपी आप जी हो सकता है आपका प्रशंसक होगा। प्लीज कंटिन्यू। मैं प्रॉब्लम मान रहा हूं मुद्दे पे आते हैं। देखिए 80-20 मतलब हां 80-20 की बात कर रहा हूं। 80-20 का फार्मूला सबसे पहले माननीय कांशीराम जी ने दिया, खूब मलाई खाई साहब, सरकारें बन गई। हाँ उनका फार्मूला तो पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। भाजपा ने जो अभी 80-20 का फार्मूला दिया है उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, 80% वो लोग हैं जो किसी भी जाति या धर्म के हों, गरीब रहे हैं, शोषित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं। 20% में वो लोग आते हैं जिनको सब्सिडी धुआंधार मिली हो, तीर्थ यात्रा करने के लिए सब्सिडियां मिली हो, बाहर जाके तीर्थ यात्रा करने के लिए सब्सिडियां मिली हो, गल्फ में खूब लूट घसोट की हो, पुलिस प्रशासन को जो है भैंस जुड़वाने में लगवा दिया हो, जिन्होंने सैफई में खूब ढेर सारे डांस प्रोग्राम डांस क्या वो तो मुजरा था करवाया है। ये 20% लोगों का ये कुनबा है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब 80-20 का नहीं होगा लड़ाई। 80-20 का होने का मतलब है 80% वो लोग जो आज तक सुख सुविधाओं और सरकारी सुविधाओं पैसों से वंचित थे, आज उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, वो 80% लोग हैं। और जो लोग स्कूल से गायब हो गए, मदरसों से गायब हो गए, वो 20% लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हो, आधार कार्ड लिंक होते ही जो लोग गायब हो गए इस ब्रह्मांड से, उनका अस्तित्व ही नहीं था, वो 20% लोग हैं। बहुत सिंपल, बड़ा सिंपल, अच्छा। क्या नहीं दे सकता, गजब सिंपल फॉर्मूला। समझ में आया दीपचंद राठौर जी, 80-20 का फॉर्मूला समझ में आया जो मिश्रा जी ने समझाया? वो कह रहे बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, ये 80-20 का, 80-20 का। चावला जी मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं कि दुबे जी और मेरे बड़े भाई साहब एक के मिश्रा कहीं ना कहीं वाक्य में भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा है, ये स्पष्ट बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सोच क्या है सर, शुभकामना सोचे देश के लिए बोले वो बीजेपी का चेहरा, आप भी हो जाइए ना, आप भी देशवादी राष्ट्रवादी बातें करिए। अच्छा अच्छा ये सारे राष्ट्रद्रोही हैं संदीप, तुम्हें ये राष्ट्रद्रोही हैं, संदीप तुम्हें सारे राष्ट्रद्रोही हैं, जो बीजेपी में नहीं है, जो बीजेपी में नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। नहीं नहीं राष्ट्रद्रोही है की राजनीति नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि, मैं आपको बता दूंगा 19A के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। 19 से 14 ये छोड़िए अभी, रुकिए एक सेकंड संदीप, तुम्हें जो बीजेपी में नहीं है वो सारे राष्ट्रद्रोही है, रुकिए एक सेकंड। आपने कहा जो राष्ट्र के समर्थन में बोले वो हमारा बीजेपी का, जो जो बीजेपी में नहीं है वो सारे राष्ट्रद्रोही हैं। संदीप दुबे तट पे लाशें थी कोरोना काल के अंदर, एक एक और जब दीपचंद्र राठौर जी संदीप दुबे है तो उसको आप मेवाली और आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हो, उसके बाद फिर आप उम्मीद रखते हो कि 24 करोड़ की जनता आपको वोट देगी। मैं कहना चाहूंगा भाजपा का बूट सबसे बड़ा झूठ, भाजपा का बूट बूट सबसे बड़ा झूठ। अच्छा अच्छा अभी पन्ना प्रमुख पे भी चले जाएंगे, एक मिनट संदीप दुबे जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। चावला साहब अभी देखो सुमित प्रसाद मौर्य ने बात कर लीजिए, उसके ऊपर ईबीआई और सीबीआई जांच भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये इनको कहने का भी किसी को अधिकार नहीं है। अगर भाई सुनिए, सवाल मुझसे था, मैं रुक जाइए अभी ईडी आ जाएगी, रुक जाइए। कभी राष्ट्र विरोधी नहीं कहा हमने, कहा कुछ गलत लोगों के संगत में आके व्यक्ति कभी कभी गलत बोलने लगता है, वो संगत अच्छा कर लेगा और सुधार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आके संगत अच्छी हो जाएगी, लोगों को चाहती है, उसकी सोच है कि हम सब भारतीय हैं और भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय है और भारत और देश से प्यार करता है। हम अपने देश में जन्मे किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि वो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी। हाँ आपको आलोचना करने का अधिकार है, दीप भाई जैसे आलोचना कर रहे हैं, उनकी आलोचना मोदी जी से शुरू होती है, कभी वो राहुल जी के बारे में नहीं सोचते, प्रियंका जी के। अच्छा। तो देखिए गांधी जी स्वयं में सुधार के पक्षधर थे, भारतीय जनता पार्टी स्वयं में सुधार के पक्षधर है। अगर हमें कोई कमी है, कोई बुराई है, हम स्वयं में सुधार करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे दीप भाई, लेकिन हमारी बुराई करेंगे पार्टी के लोग। गांधी जी से
गांधी के तीनों बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। दीप भाई बुरा कहेंगे, बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे। इनका समय जो है बुरा देखने, बुरा सुनने और बुरा कहने में ही चला जाता है। अच्छा, तो गांधीवादी हो रहे हैं। इस तरह का जो स्वरूप बना हुआ है, ये स्वरूप भारतीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। इन लोगों को अब स्वयं सुधार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भारतीय राजनीति को सही दिशा मिले। ओके दुबे जी, आज गांधीवादी हो रहे हैं। अब व्यक्तिगत नहीं राठौर साहब, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी क्लियर कर देता हूँ। दुबे जी ये कह रहे हैं राठौर जी कि एक बार गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए। गोडसे मुर्दाबाद बोले सर आप अगर गांधीवाद हो रहे हो तो मित्र सुनिए ना, मैं गोडसे मुर्दाबाद बोलूंगा ना गांधी मुर्दाबाद बोलूंगा। मेरे लिए गोडसे जिंदाबाद और महात्मा गांधी जिंदाबाद। इस भारत में जन्मा हर व्यक्ति अच्छा कर्म करे, अपने उसके अच्छा राष्ट्र प्रभावित होता है। भारतीय जनता पार्टी जिसने किया छड़छड़ किया वो सबका जिंदाबाद। मैं कह रहा हूँ दीपचंद भाई भी जिंदाबाद, हम मैं तो कह रहा हूँ तिलक चौधरी जिंदाबाद, एके मिश्रा जी जिंदाबाद। देश के बारे में सोचो साहब, आप क्यों देश को बांटने पे तुले हुए हो? इस देश के साथ गद्दारी करके क्या मिलेगा जिंदाबाद? इस देश के जिंदाबाद बोल रहा हूँ, झूठ बोल के क्या मिलेगा? गांधीवादी का पाठ पढ़ा रहे थे। खैर छोड़िए छोड़िए, आप मुद्दे पे आ रहे हो, मुद्दे पे आ रहे हो। आपके साथ हो गया सर जी, तुम आप अगर इस देश के बारे में सोचिए, आप इस देश के बारे में, देश के बारे में सोचिए। अभी बताता हूँ देश के बारे में कितना सोचा जा रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, अब मुझे एक बात एक निष्ठा समझाइए जिस मुद्दे पे मैं आ रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि गोडसे भी जिंदाबाद, मैं अभी उस पीछे में नहीं आ रहा, लेकिन एक मिश्रा मुझे एक बात समझाइए। ये जो मंडल और कमंडल देश की सियासत को दोनों ने प्रभावित किया, अब जो मंडल और कमंडल की सियासत दिखाई दे रही है, 80-20 का जिक्र किया जा रहा है और सीधे तौर पर सियासत के तराजू में जातियों को तोला जा रहा है। 2017 में भी तोला गया था जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। मेरा यही सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ मंडल है और दूसरी तरफ कमंडल। दिल्ली से खबर यह आ रही है कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि अयोध्या से चुनाव लड़े। एके मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन दीपचंद राठौर समझ रहे हैं आप, सीधे तौर पर लड़ाई यहां पर क्या दिखाई दे रही है। मसला सिर्फ जातियों तक सीमित नहीं है। स्पष्ट बात बता दूं कि 3 दशकों से जो कुशासन का उत्तर प्रदेश में अंत होगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपी में फिर से विकास सद्भाव के मार्ग पर लौटेगा। अब की बार हिंदू मुसलमान पर चुनाव ना होकर असलियत मुद्दे पर चुनाव होगा, जैसे कि महंगाई के ऊपर हो, किसान की बात ना मानने पर हो, बेरोजगारी पर हो, रोजगार पर हो, देश की गिरती जीडीपी पर हो और हाथरस कांड हो, उन्नाव कांड हो। दीपचंद जी, अगर ये बात आप कहा जहाँ आपकी सरकारें आप करते, अगर आप अपराधी किया होता वहाँ महंगी बढ़ती महंगाई पे रोक लगाई होती, आप वहाँ पे भ्रष्टाचार पे रोक लगाया होता। राजस्थान में आपकी सरकारें अगर आपने वही काम राजस्थान में किया होता, वहाँ एक मॉडल दिया होता, छत्तीसगढ़ में वहाँ एक मॉडल, कुछ काम करके आए होते तो आज ये कहने की उत्तर प्रदेश राहुल जी की बात नहीं मानते, गांधी परिवार के कंट्रोल में कांग्रेस नहीं है, तो आपको ये उत्तर प्रदेश का विकास आपको दिखाई नहीं। जब आपका आप एक शब्द नहीं बोलते हो, पूरे राज्य में जो बिजली 18 से 24 घंटे रह रही है, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? सफाई में पहले चल रहा थोड़ा शौचालय बन गया उत्तर प्रदेश में, इसलिए दिक्कत है। विधवाओं की पेंशन दुगुनी कर दी, इसलिए दिक्कत है। जब सरकार काम कर रही है तो हम एक मॉडल उत्तर प्रदेश की लेके मॉडल आप पंजाब मॉडल पे चर्चा करके दिखाई। चलिए पंजाब में गरीबी कम हो गई, गरीबी दर कितनी थी, आप वहाँ गरीबी बढ़ गई आपकी कांग्रेस की। संदीप दुबे, संदीप दुबे प्लीज, महंगाई और बढ़ गई। आप एक तुलनात्मक अध्ययन करिए, एक मॉडल तो पेश करिए इस देश के लोगों को, ताकि देश आप पे विश्वास करे। आप प्लीज मॉडल बताओ लोगों को। संदीप दुबे, दीपचंद आप दीपचंदी दीपचंदी आप बता दीपचंदी दीपचंदी हो गया। एके मिश्रा मेरा सवाल वही था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने कहा मंडल और कमंडल की सियासत दिखाई दे रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? वो दौर जिसने मंडल और कमंडल की सियासत को पूरे देश ने प्रभावित किया, अब खबर ये आ रही है
कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आखिरकार मंडल और कमंडल की राजनीति का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? चावला जी, आपकी डिबेट बड़ी इंटेलेक्चुअल होती है और इसीलिए आपके साथ वार्तालाप करने में मुझे मजा आता है। एक मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दीजिएगा, दोनों मित्र मेरे थोड़ा शांत रहे। दो चीजें बड़ी उभर करके सामने आई हैं, एक तो देशद्रोही कौन है ये मुद्दा, और दूसरा गोडसे गांधी जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला मुद्दा। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए है क्या साहब, हम सनातनी है, सनातन का सिद्धांत है। भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण की मृत्यु के बाद बोला कि आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो उससे सारे वैर, उसके सारे पाप कर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं। वहां पे फिर कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता है। मृत आत्मा को हमेशा पवित्र माना जाता है क्योंकि वो परमात्मा में लीन हो जाता है, चाहे गांधी हो चाहे गोडसे हो। तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि बार बार गोडसे मुर्दाबाद या जिंदाबाद के नारे लगवाने चाहते हैं। उनको सनातन का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इस देश की संस्कृति समझनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देशद्रोह कौन है? देशद्रोही ये कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है, हम कोई नहीं है। ऐसे लोगों को मैं सांस्कृतिक विचार द्रोही जरूर बोलूंगा, सांस्कृतिक द्रोही बोलूंगा, भारतीय विचार जो है उस विचार का द्रोही जरूर बोलूंगा, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ का जो विचार हजारों साल से पुराने पवित्र विचार है उसके खिलाफ बोलते हैं। अब मैं आता हूँ आपके मंडल और कमंडल पे। देखिए मंडल और कमंडल का क्या है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भारत की जो सामाजिक संरचना है ना, उसमें आप जाति धर्म इन सब चीजों को हटा नहीं सकते हो। बड़ी बड़ी पार्टियों ने कोशिश तो कर ली, अभी तक नहीं हुआ। मंडल और कमंडल का असर दिखाई देगा या नहीं? हाँ बिल्कुल दिखाई देगा, पहले भी दिखाई दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है मंडल के दम पे ही वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अदरवाइज वो नहीं बन पाते। तो अगर मंडल में इतना दम है तो कमंडल में तो बहुत जबरदस्त दम है साहब। उसका पानी निकाल के जहां छिड़केंगे और जो परिकल्पना, जो संकल्प लेके छिड़केंगे, वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर मंडल में इतना दम है तो कमंडल तो बहुत दिव्य चीज है। कमंडल का इतिहास शायद पता नहीं है, मैं इतिहास बताने लगूंगा। ये गंगा जी कमंडल से ही निकली है, आपको पता नहीं होगा। और कमंडल के चमत्कार मैं आपको अगर बताना शुरू करूंगा तो 12 घंटे बीत जाएंगे कि कमंडल में कितनी पावर होती है, कितनी शक्ति होती है और उसके चमत्कार। एक एग्जांपल दिया कमंडल के चमत्कार का कि गंगा जो जीवन दायनी है, पतित पावनी है, वो कमंडल से निकली है। तो मंडल की तो विसात ही नहीं है कमंडल के आगे। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि मंडल कमंडल की सियासत है लेकिन कमंडल भारी पड़ेगा। ओके, आशु आबादी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाखों साल से कमंडल जो है लोगों के मिश्रा, लोगों के कल्याण के लिए कमंडल बना है। मंडल मिश्रा हो गया, मंडल हो गया राजनीति साधने के लिए बना है, कमंडल संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बना है। ओके ओके, ये पिछड़ों की राजनीति का जिक्र हो रहा है आशु आबादी जी, ये कह रहे हैं कि पिछड़ों की राजनीति में भले ही अखिलेश आगे दिखाई दे रहे हैं लेकिन लड़ाई तो 80 और 20 की है। अब इनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जनार्दन है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति, बदलाव आ रहा है। आप सब लोग देखेंगे 2022 माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे साथ पिछड़े अगड़े सब हमारे साथ हैं, सर्व समाज हमारे साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य, तारा सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी वेलकम, मोस्ट वेलकम। सुन लो आशु अबाजी जी, आप हर वक्त अखिलेश जिंदाबाद, सवाल तो सुन लो, हर सवाल का जवाब अखिलेश जिंदाबाद थोड़ी ना होता है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य और तारा सिंह चौहान, ओपी राजभर, पटेल मैडम, इस कुनबे को जोड़कर क्या संकेत दे रहे हैं आप कि जो सियासत 2017 में बीजेपी ने की थी अब आप उसी रास्ते पर हैं? हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारे परिवार में सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो भी हमारे परिवार में आ रहा है हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, और समाजवादी परिवार, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। पिछड़ों की राजनीति तिलक जी, अखिलेश मैं एक बात कहूंगा, एक सेकंड ये कह रहे हैं कि ये जहाज जो है वो डूबते हुए दिखाई दिया तो आप भाग गए। दूसरे चैनल पे लाइव था, उनको बाइट दे रहा था, मैं भागा नहीं। मैं मित्र को कहना चाहता हूँ, संदीप दुबे आपको नहीं कह रहा, मैं आशु अबासी को कह रहा हूँ। आशु अबासी
जी वो कह रहे हैं कि जिनको शामिल कर रहे हो तो गद्दार है, ऐसे ही बोलते हैं जब दूसरे के कोई दूसरी पार्टी में जाता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं इनकी कोई गलती नहीं है। जब हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, ये ना तो कुछ चाहिए बोलने के लिए। मिश्रा जी कह रहे हैं अपना परिवार तो संभाल नहीं पाए, सब हमारे साथ है, परिवार हमारा बढ़ गया जी, हमारा परिवार रोज बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं जिनके पैर उनके पैर के नीचे से जमीन। चाचा जी का क्या हुआ? चाचा जी हमारे साथ हैं, आपको साथ चैनल नहीं देख रहे हो, टीवी ना देख रहे हो, चाचा जी हमारे साथ हैं। नहीं ये वो वाला देखते हैं रोज देखते हैं, मैं देखता हूँ। मिश्रा जी वो वाला देखते हैं जो गोद में है, मुस्कुराइए मत, देखते हैं। चाचा जी साथ हैं, आशीर्वाद सबका साथ है, सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं। अच्छा चाचा भी साथ हैं जी, चाचा भतीजे दोनों साथ हैं, सब साथ हैं जी, सबको डिप्टी सीएम बना दोगे? वो माननीय जी का जो आदेश होगा, जो उनका मान होगा, सम्मान होगा, उन्हें मिलेगा। तो ये मिश्रा जी क्यों कह रहे हैं कहीं का ईट कहीं का रोड़ा? अभी ना कुछ तो चाहिए बोलने के लिए, हमारा परिवार बढ़ रहा है, इनका परिवार टूट रहा है, तो इन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए। अरे सर आपने तो जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है कि पूरा देश संकट में आ गया है, इतना परिवार मत बढ़ाइए तो खतरा ही पैदा करेगा। सबका वेलकम, आपका भी वेलकम है, आप भी आइए हमारे परिवार में, हम आपका भी वेलकम करेंगे, दिल से इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे, हमें सब लोग चाहिए, हमें सबकी वोट चाहिए। अरे सुनिए हमारे कुटुंब सारा विश्व है, आप उसकी चिंता, हमारे परिवार में सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नहीं 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 ये बीजेपी वाले लग रहे हैं आबादी जी, ये बीजेपी वाले है नहीं, ये दरअसल राजनीतिक विश्लेषक है, आप कंफ्यूज हो गए हैं। मिश्रा जी बीजेपी वाले हैं नहीं, हाँ आपको लगा कि ये बीजेपी वाले, हाँ इन्होंने भाषा बोली थी ना, इस वजह से मैं बोल दिया जी। अच्छा पिछली बार बोला, नाराज मत, ना नाराज ना हो जी, मैं नाराज नहीं। नहीं नहीं संदीप दुबे सुना आपने, आबादी जी कह रहे हैं कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है, जिसे देखकर आप लोग भयभीत हो गए हैं, इसलिए 80 और 20 की बात कर रहे हैं। ये लड़ाई 80 20 की नहीं है, अब यहाँ तो लड़ाई सीधे तौर पर वर्चस्व की आ चुकी है, और आप लोग पिछड़ रहे, दिल्ली में मंथन करते रहिए कि सीट पर किसको लड़वाना है। तिलक भाई अभी क्या हुआ, एक घटनाक्रम घटी, हमारे अखिलेश जी ने परशुराम जी की मूर्ति लगवाई, और परशुराम भगवान का जो सबसे बड़ा होता है ना वो क्या कहते हैं, वो अशु भाई बताएंगे, वो गिर गया और उसको अपशगुन कहा जाता है। तो वो तभी परशुराम जी तो भगवान पितृ भक्त थे, और पितृ भक्त होने के नाते एक संदेश गया कि भाई आप पितृ भक्ति नहीं करोगे तो यही होगा, तो एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में गया। तो हमें लगता है समाजवादी पार्टी के लोग काफी परेशान हो गए, सहमित हो गए, और इन्हें पता नहीं कि ये जो लोग भी जा रहे हैं या कहीं पार्टी में आ रहे हैं तो इनके कार्यकर्ता तो ऑलरेडी बहुत नाराज है उस जिले वाले, ये सूचना इनको नहीं होगी। हमारे आशु भाई वन साइडेड बोल रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए हम बहुत खुश हैं, आप अच्छे से अपना प्रचार प्रसार करिए, अपनी बातों लोगों को तक ले जाइए। हमारी सरकार ने 5 साल में जो काम किया, हमारी जो उपलब्धि है, हमने पूरा देश को एक किया है, वो एकता में बहुत ताकत है। हमें विश्वास है कि हम दोबारा यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के नेतृत्व में वहां सरकार बनाएंगे, और सबको हसीन सपने देखने का पूरा पूरा पूरा। ये क्यों कह रहे हैं कि आपने पिछड़ों का सम्मान नहीं किया, किसानों की आवाज को दबा दिया? वही बात दारा सिंह चौहान कह रहे हैं, वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे शासन काल में सबका सम्मान हुआ, हम अगड़ा पिछड़ा नहीं कर सकते, हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हम पहले ही आपसे कहा कि बड़े मुश्किल से ये देश एक हुआ है, देश की एकता बहुत दिनों बाद बंधी है, इस एकता को की डोर जनता नहीं तोड़ेगी, जनता को पूर्ण विश्वास है इसी एकता के साथ ही प्रदेश का देश का विकास होना है, सबका साथ सबका अच्छा। विकास सबका विश्वास, इसको जातियों गणित में जो लोग देश देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं वो इस देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, इससे राजनीति खराब होगी और आपसी सौहार्द हमारा खराब होगा, भाईचारा बिगड़ेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, फिर कोई बाहर वाला आके फिर से हमें वो कौन सा आपस में प्रेम करो देश प्रेमी हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश प्रेमी बने दीपचंद भाई को भी, आशु भाई को भी, और हम इस प्रेम की जो मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए, ये पिछड़ों की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ गई है। नहीं हम अगड़े पिछड़े की लड़ाई में पड़ने वाले नहीं है, हम वहां सरकार में क्यों पड़े, हमारे साथ सब लोग हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप तो आबादी की लड़ाई बोल रहे हैं, फिर बुरे लोग पूछ लो, अखिलेश यादव जिंदाबाद,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछड़ों की लड़ाई जो आप लोग लड़ने की बात कर रहे थे, उसमें आप लोग पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे कि नहीं? नहीं, हमें तो नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता, नहीं लगता। हर वर्ग की जो तो फिर राजभर के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य के चले गए, दारा सिंह चौहान के चले गए। आप बिल्कुल आप अच्छी बात कर रहे हैं तिलक जी, आप भी वही काम कर रहे हैं कि जातियों गणित को उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के चेहरे के और समाजवादी पार्टी के सोच के साथ सोच रहे हैं। कांग्रेस की सोच भी यही है कि अच्छा। गणित के वो मुझे 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 सफाई बना दिया आपने। हमारी प्रियंका जी ने बच्चों को मतलब मुझे सफाई बना दिया लड़ा दो। ये जो फूट डालो और राज करो की नीति पे राजनीति उत्तर प्रदेश, अभी बताता हूँ फूट डालो राज करो, अभी बताता हूँ, एक मिनट संदीप दुबे बताता हूँ। दीप चंद्र राठौर अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद बताता हूँ प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ थोड़ा बस गूगल वूगल सर्च कर लीजिएगा, प्रूफ के साथ बताता हूँ। रुकिए, दीप चंद्र राठौर जी कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, बोले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं, जब खिसकने लगी सियासत की कुर्सी तो हिंदू मुसलमान को भिड़ाने लगे हैं। अरे मेरे बड़े भाई दुबे, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कुछ काम करा होता तो आज आपको आपको ये बताना नहीं होता कि हमने ये करा। तो आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, विकास के नाम पे वोट मांगते। पहली बात, आपके सारे नेता कभी काशी जा रहे हैं, कभी मथुरा जा रहे हैं, कभी रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों भाई, किसलिए जा रहे हो आप लोग? अगर आपको इतना ही अपने काम और विकास पे है तो आप विकास की बात करो ना, वो आप नहीं कर सकते हो। और रही प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में स्पष्ट कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय करने जा रहा है और नारी शक्ति को शक्ति देने जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं दुबे जी, ये आपका डर सतारा की पांच राज्यों में आप हार निश्चित तौर पर है, क्योंकि देखो गोवा में आपके दो विधायक टूट गए, यूपी से पांच मंत्री और चार विधायक निकल चुके, और उत्तराखंड से भी आपके 14 पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज गए। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जब केशव प्रसाद मौर्य समझाया तो उन्होंने ट्विटर पे भी उनको बहुत उल्टा सीधा जवाब। सुनो दीप भाई, सुनो, आपके उत्तराखंड में सबसे बड़े चेहरे हैं ना हरीश रावत जी, उनके कभी सिपा सलार हुआ करते थे किशोर उपाध्याय, उन्हें आज सारे पदों से हटा दिया, वो बीजेपी के संपर्क, बड़ी खबर बता रहा हूँ, बीजेपी के संपर्क में है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। अब सुन लीजिए, रात को अंधेरे में कमरे में, रात को अंधेरे में गए थे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अयोध्या से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है, हम सबके लिए। मंडल और कमंडल की लड़ाई, यही बात आप संदीप दुबे कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि मंडल कमंडल, यहाँ तो लड़ाई सीधे तौर पर मंडल वर्सेस कमंडल दिखाई दे रही है। ए के मिश्रा, चावला जी मैंने ये नहीं बोला कि लड़ाई मंडल और कमंडल की नहीं है, मैंने ये भी बोला था कि कमंडल के प्रताप सिंह ने सरकार भी बनाई है, मंडल का कॉन्सेप्ट भी नहीं सिंपल, मैं ये बोल रहा मंडल की कोई विशेष, मंडल की दिव्य शक्तियों को जाल दीजिए जितने जल्दी हो सके, पहले दे चुका हूँ। उसके बाद अब मैं दूसरी चीज, देखिए हमारे सपा के हम सपा विरोधी है, ऐसी पता नहीं क्यों लोगों की भावना जाती है। भाई मेरे से बड़े सपाई आप नहीं, आप तो छोटी सी टोपी पहन के, मैं तो पूरा लाल लाल पहन के बैठा हूँ, मेरे से बड़े वाले नहीं है, यानी आपकी आवाज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एके मिश्रा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये बोल रहा था मेरे से बड़ा सपाई, मेरे से बड़ा लाल सलाम, मेरे से बड़ा धर्म निरपेक्ष, मेरे से बड़ा सिद्धांत नहीं है, मैं तो पूरा लाल लाल पहन के बैठा हूँ, आप तो छोटी सी टोपी लाल लगाए हुए हैं। चलते चलते मैं एक चीज और बोल दूं, इसको समझ के खुश मत होइए, जो चेहरे पर मुस्कान बोलता पाई है उसे दोहा बोल रहा हूँ, तेरे लाल की जित देखो, लड़की देखो भी हो गई लाल, सकते हैं तो समझ लीजिए। ओके संदीप दुबे जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही ना दुबे जी? हाँ बोलिए ना। वो 80-20 वाला जो फॉर्मूला था ना, वो सर आपने मेरे को अभी सफाई बना दिया, कांग्रेसी बना दिया। सर मेरी मजबूरी है, ये है मेरी मजबूरी भी और आदत भी है, और मेरी फितरत है और पत्रकारिता का सिद्धांत भी यही है कि सवाल हमेशा सत्ता से पूछे जाते, सत्ता से। मैं वो वाला तो हूं नहीं राष्ट्रहित के नाम पर ऐसे ऐसे करके कि ओ कमिश्नर ओ मुख्यमंत्री बाहर निकल, एक बॉलीवुड हस्ती की आत्महत्या को हत्या साबित कर दिया। मैं वो वाला नहीं हूं कि कंगना के छज्जे पर चर्चा करूं, मैं बेरोजगारी पर चर्चा करता
खैर छोड़िए, अभी मैं उसका हिसाब नहीं मानता कि 400 सीटों में उत्तर प्रदेश की वो 4 करोड़ बेरोजगारों का हिसाब क्या, वो छोड़ दीजिए। अभी मैं आता हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर। अमित शाह जी ने निजाम पढ़ा था, याद होगा, याद है मिश्रा जी, अबाजी जी, दीपचंद्र राठौर जी। तो क्या मुझे आप गूगल पर सर्च करके वो भाषण में जो निजाम का फॉर्मूला बताया था, फुल फॉर्म बताई थी अमित शाह जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री, मुझे गर्व, वो आप मुझे बता सकते हैं सर, उन्होंने क्या वो फॉर्मूले में जो फुल फॉर्म बताई थी निजाम की, बता सकते हैं सर आप निजाम की? संदीप दुबे जी, देखिए मैं जिस भाषा और जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि जिस 80% और 20% की आप बात कर रहे हैं वो ये है, मैं नहीं कर रहा, ये आप कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की बात क्यों करूंगा वो ये है, और जो देश की बात हो रही वो ये है। हमने पहले कहा कि अच्छाई और बुराई, बुराई को हमेशा, बुराई जो है कम होती है लेकिन अच्छाई को दबाने की कोशिश, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, 80 20 कौन कर रहा है, अच्छाई को अपनी बात कहने, 80 और 20 मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, आप मुझे निजाम की फुल फॉर्म बता दीजिए ताकि लोग जाने की अच्छाई है। जो माननीय देश के गृह मंत्री जी और पूर्व अध्यक्ष बीजेपी वो पूरे शाह जी ने निजाम की बात की थी सर, वो पूरे देश को पता है, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे को बताइए ना, आप प्लीज बताइए, आप गूगल सर्च करने के मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूरे देश को पता है, उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ 80-20 कौन कर रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ मैं आपको, इस विषय को आप लेकर जाना चाहते हैं, जिधर संवाद करना चाहते हैं, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं उस संवाद से दूर रहूंगा, मैं उस संवाद को बिल्कुल मुझे बताइए, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई है, अच्छाई वर्सेस ये लड़ाई 80 और 20 बुराई के आधार पर हारेगी, हारेगी सदियों से बुराई हारी है, फॉर्मूले का सर आप कर रहे बताइए ना, राम रावण ये निजाम की फुल फॉर्म क्या है, नए सिरे से कई 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 बड़ी बड़ी लोग और भी अभी पाला बदलेंगे, ये तो छोटी छोटी बात है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, धर्म युद्ध है, और जब भी धर्म युद्ध लड़ा जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं धर्म का साथ छोड़ के धर्म की तरफ चले जाते हैं, तो ये लड़ाई होगी, ये लड़ाई शुरू हुई है, आप देखेंगे जो अधर्म का साथ छोड़ के धर्म के तरफ आएंगे, अभी वो भी आपको देखने को मिलेगा, अभी आप एक पल्ले को देख रहे हैं, ये दोनों पल्ला देखने को मिलेगा जब अधर्म का साथ छोड़ के लोग धर्म का साथ देंगे और धर्म की लड़ाई जीत होगी हमारी, धर्म की लड़ाई है ना, आप मुझे निजाम की फुल फॉर्म नहीं बता रहे जो अमित शाह जी ने बताई, बताइए आपके नेता आप मुझे निजाम की फुल फॉर्म नहीं बता रहे, गूगल सर्च, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं, मेरी जानकारी इतनी नहीं है और मैंने गूगल सर्च नहीं किया इस विषय पे, और मैं इस विषय पे बोल नहीं सकता, कर लीजिए, मैं मिश्रा जी से पूछवा देता हूँ, मिश्रा जी वो निजाम वाला आपने भी तो सुना होगा जो अमित शाह जी ने कहा था, निजाम वाला चावला जी, मुझे विनम्रता के साथ आप अनम्यूट कर लीजिए सर, उसको अनम्यूट कर लीजिए मिश्रा जी, मैं ये बोल रहा था कि पूरा स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, मैं कर सकता हूँ, मैं विनम्रता के संदीप दुबे जी ढूंढ रहे हैं, अमित शाह जी निजाम वाला सुना था अबाजी जी आपने, अभी बता रहा हूँ ना उदाहरण के साथ 80-20 क्या होता है, अबाजी जी सुना था आपने जो फुल फॉर्म बताई थी अमित शाह जी ने? नहीं, मैं लेट हो गया, आप बताओ मुझे जानकारी ना जी, दीपचंद राठौर जी जो अमित शाह जी ने निजाम पढ़ाया था, सुना था आपने? मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं चावला साहब, नहीं है, संदीप दुबे जी ढूंढ लिया, देखिए इस विषय को मैंने पूरी तरह से मैं कहा, मुझे फुल फॉर्म बता भी कह रहा हूँ, आप तो तिलक भाई आप तो इतने समझदार हैं, मैं एक वकील हूँ, मेरे से इस तरह की भाषा का प्रयोग, उनका जो कहने का तरीका तो समाजवादी पार्टी के लोगों पे था कि जिस तरह से हमने ट्रिपल तलाक की, आप ये कह रहे कि मैं वकील हूं, ऐसी भाषा राजकायन था अखिलेश जी के सरकार में, पूरे देश में निजाम राज जो अखिलेश जी के सरकार में था, बुआ बुआ बता दीजिए सर, निजाम का मतलब यही था, आप यही चीज कहना वाला मुझसे चाहते, निजाम का मत बता दीजिए ना, वो बता दीजिए, हो जाती थी तो पुलिस ऑफिसर और एसपी वहां का भैंस ढूंढने जाता था, यही निजाम मतलब का निजाम की फुल फॉर्म नहीं बता रहे आप, मेरी गलती बताते हैं आप, भाई सुन लो, आप तो समाजवादी पार्टी के हो, तिलक भाई चाहते हैं कि ये बात हमारे मुंह से निकल जाए, हम ये बात अब कहने वाले नहीं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को दुनिया नहीं भूली है,
वो तो उत्तर प्रदेश की बात अलग है। नहीं बताओगे ना, अब मैं आता हूँ। भैंस खो गई और भैंस को ढूंढने साहब गए। सीधा पूछते ना सर, मेरी तो आदत में सीधा पूछता हूँ, आप मुझे नहीं बता रहे निजाम की फुल फॉर्म, बता दीजिए, बता दीजिए। ढूंढ लिया? नहीं ढूंढ नहीं, अपने मेमोरी से एक ही कहानी हमने पढ़ी कि इस देश का एक समाज सेवा शिक्षाविद मदन पंडित मोहन मालवीय। आपका ऑडियो कट रहा है एके मिश्रा जी, बहुत दुरुस्त ऑडियो आ रहा था लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ ऑडियो कटने लगा आपका। मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा से। तिलक जी का कहने का मतलब है अमित शाह जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार अपराध गुंडागर्दी और अराजकता का प्रतीक जो है वो निजाम का राज था। आप बता तो दीजिए नाम लिए थे उन्होंने बकायदा, मतलब निजाम में नाम लिए थे उन्होंने, नाम लिए थे, नाम बताओ ना, नाम बताओ ना रूपे जी, नाम तो बताओ। देश में जो पूर्व के सरकारों में भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, बेकारी थी, महंगाई थी, जामी थी समाजवादी पार्टी के सरकार में, उसको अगर उन्होंने ये कहा कि जो भी विषय हमारे साहब निजाम की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कह दिया? बता दीजिए ना सर, क्या की फुल फॉर्म? आप विषय को विषयांतर कर रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं 80 और 20 का मतलब बता रहा हूं। चर्चा कर रहा है वो विषय ये है, 80 और 20 का मतलब बता रहा हूं। नए दौर में हम मिलके लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी हैं। ओके ओके, एके मिश्रा आप देखिए आप कैसे डिफेंड करेंगे। हमने निजाम का एक ही कहानी पढ़ी है, इस देश के शिक्षा समाज सेवी मौलवी जब निजाम तो निजाम ने एके मिश्रा, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो कट रहा है, मैं आबादी साहब, ओके ओके, दीप चंद्र राठौर साहब, आप देखिए तो निजाम का मतलब अमित शाह जी ने समझाया था, वो दुबे जी नहीं समझा पा रहे, कह रहे कि मेरी मजबूरी है, मैं वकील भी हूं, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी टीस है और उस टीस को आप दूर कर सकते हैं संदीप दुबे। देखिए इतने बड़े बड़े माफियाओं का जिक्र आपने किया था निजाम का फुल फॉर्म समझाते हुए, और वो सारे मुसलमान थे, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ये सारे जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, वो सारे मुसलमान हैं। क्या विकास दुबे, एक 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 लेट मी कंप्लीट, एक मेरा सवाल ले लीजिए, एक मिश्रा संदीप दुबे, क्या विकास दुबे माफिया था कि नहीं? विकास दुबे ये पूरा देश जानता है, और जो था वो था, उसको सजा कानून संबंध मिली कि आप लोग, आप और हम लोग राजनीति को थोड़ा समझ लेते हैं कि सारा नहीं, मुझे मुझे बताइए विकास दुबे, मैं बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, उसने विकास दुबे माफिया था कि नहीं? एक बिल्कुल 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 था बिल्कुल। तो फिर आपके नेता मंच पर विकास दुबे का नाम क्यों लेते? अरे भैया आप विकास दुबे से आपका क्या संबंध है, मैं ये समझना चाहता हूँ। जब मेरा उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो विषय रखा वो कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, जेडीएस के आजम खान, मुख्तार अंसारी, उनका निजाम भ्रष्टाचार था, अपराध था, गुंडागर्दी था, अराजकता था। कुलदीप सेंगर भी तो माफिया, व्यक्ति विशेष को अगर अपराध गलत है और कानून संबंध उसको सजा, ये अपराधी विकास दुबे क्यों नहीं कहते आप मन से? आप मन से विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लेते? ये आपकी उपलब्धि थी कि नहीं? विकास दुबे की गाड़ी पलटी, विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लेते आप? विकास दुबे का मैं ये पूछ लेते हैं साहब, हमने तो बराबर कहा है। देखिए विकास दुबे का कोई संरक्षण नहीं है, विकास दुबे आज नहीं है, स्वर्गीय हो गए ये सारे लोग, तो अभी इसमें बहुत से लोग सारे स्वर्गीय हो गए या फिर कहां गए? हमारे यहाँ पिच हो जाता है, विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लेते आप? इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, ध्यान रखिए। विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लेते मन से आप? चला गया जिस दिन उसने अपना देह त्याग दिया, उसकी बुराई या उसकी अच्छाई, उसने जो बुरा किया उसकी बुराई को उसको कर मिला, उसका नाम नहीं लेते साहब आप? इसमें बताइए ना, मुख्तार अंसारी जी आज यही हैं, आजम खान जी आज यही हैं, इमरान मसूद जी आज यही हैं, नसीमुद्दीन जी यही हैं, अगर इनमें से जो होगा नहीं होगा उनका हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा, गलत अच्छा। क्या ये सारे मुसलमान विकास दुबे का नाम नहीं? ये जो चोर उच्चके बदमाश उत्तर प्रदेश और देश के हो, किसी भी राज्य के हो, जो गलत है वो गलत कुलदीप है, सेंगर? उसका जाति धर्म नहीं है, वो गलत है उसकी सजा जो जेल में जगह है जेल में है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए जो माफिया है वो सिर्फ मुसलमान है, इसलिए निजाम है? ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से जाके आप पूछिए, उनको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने उस दहशत के साए में अपना जीवन जिया है।
जिन्होंने अपने थैंक यू मिश्रा जी समझ गए ना 80 और 20 क्या होता है, वही समझा रहे थे अभी दुबे जी, कह रहे थे कि मैं वकील हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। खैर ये सियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार क्या वाकई जो बताया जा रहा है कि 80 और 20 की लड़ाई अब आ चुकी है, लेकिन पिछड़ों की लड़ाई में क्या बीजेपी वाकई पिछड़ गई है? स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद दादा सिंह चौहान, अवतार सिंह भड़ाना, दावा ये कि अब एक और बड़ा धमाका स्वामी प्रसाद मौर्य करने वाले हैं, वो दावा कर रहे हैं 14 तारीख के आसपास। खैर देखिए अभी सियासत में होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि पिक्चर अभी बाकी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।